नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि STET की परीक्षा संपन्न हो गई है। 16 और 17 नवंबर को ये परीक्षा हुई है। कुल तीन पेपर होते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग नहीं हैं हरियाणा के, वो लोग भी समझ जाएँ कि जो STET की परीक्षा होती है वो तीन लेवल पर होती है। जो पहली परीक्षा होती है वो क्या होती है, STET PRT, ये प्राइमरी के लिए होती है यानी कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। लेवल 2 की जो परीक्षा होती है वो STET TGT के नाम से जानी जाती है। ये होती है 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल के लिए। और जो तीसरा पेपर होता है यानी कि लेवल 3, वो क्या होता है, STET PGT, और इसमें कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा कराई जाती है। तो ये जो परीक्षा थी तीन लेवल की, ये तीनों परीक्षाएँ 16 और 17 नवम्बर को समाप्त हो गई हैं। तो हमें जो क्वेश्चन पेपर मिला है वो क्वेश्चन पेपर इस हालत में नहीं है कि उसको डायरेक्टली मैं स्कैन करूं और आपको पढ़ा दूं। तो यहाँ पर मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए कि क्वेश्चन पेपर को टाइप कर दिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मुझे अवेलेबल नहीं हुआ है और जो मुझे मिला है वो इस स्थिति में नहीं है कि उसको स्कैन किया जा सके। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा TGT यानी कि जो परीक्षा हुई है 17 नवम्बर को, TGT का यानी कि जूनियर लेवल STET की जो परीक्षा हुई है, तो उसमें जो GS के सवाल पूछे गए हैं उसके बारे में। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूँगा, सिलेबस क्या होता है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें कि STET में जूनियर लेवल पर सिलेबस क्या होता है। देखो, बिल्कुल UP की तरह वहाँ पर भी CDP के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हिंदी से कुल मिला के 15 क्वेश्चन होते हैं और अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जनरल स्टडी में, जिसमें क्वांट्स, रीजनिंग, हरियाणा का GK और अवेयरनेस से संबंधित सवाल होते हैं, 30 नंबर के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। तो फिलहाल हमें जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसमें सभी सवाल जो हैं वो करंट अफेयर्स के हैं, ठीक है। और उसके बाद स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट होता है उससे जुड़े हुए 60 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इस प्रकार से ये जो परीक्षा होती है वो 150 अंकों की होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और समय मिलता है कुल 2.5 घंटे का। तो अब आप समझ गए होंगे STET का लेवल क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हल करेंगे TGT यानी कि जूनियर लेवल पर जो पूछा गया प्रश्न है GK का। हालांकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था, आगे हम लोग जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग CDP को भी हल करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी को भी हल करेंगे, और रीजनिंग, क्वांट्स और बाकी के जो प्रश्न हैं उसको भी हम लोग हल करेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था, और इसका जवाब आपको पता होगा, जवाब होगा इसका ऑप्शन 3, द्रोणाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आप वेल नोन होंगे, हरियाणा का जो राज्य पशु है वो कृष्ण मिक के नाम से जाना जाता है, ब्लैक बक, ठीक है। अब हरियाणा का जो वृक्ष है उसके बारे में भी आप जानते होंगे, राज्य वृक्ष ये पीपल होता है, और इसके अलावा जो हरियाणा का राज्य पुष्प है ये क्या है, ये कमल है, और जो राज्य पक्षी है वो क्या है, वो काला तीतर है। क्या है, काला तीतर। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ पर विद्रोह किया था, तो ये विद्रोह कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था ऑप्शन 2 जींद में, ठीक है। अगला सवाल होगा, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो भी सवाल पूछे गए थे वो हरियाणा पर बेस्ड थे, तो फिलहाल इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, बादशाह। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सही जवाब था इसका ऑप्शन 2 यानी कि साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो सवाल था उसका जवाब क्या होगा, ये होगा रोहतक, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नदी जो हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो ये नदी यमुना है, इसके बारे में आप वेल नोन होंगे, अच्छे से जानते होंगे। और कुल मिला के 10 प्रश्न ही बने थे जो कि करंट अफेयर्स पर आधारित थे यानी कि सामान्य ज्ञान पर आधारित थे, तो यही 10 प्रश्न मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी के जो प्रश्न होंगे उसको मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा, अगर साफ सुथरा क्वेश्चन पेपर मिल गया तो, अन्यथा मुझे टाइप करने में थोड़ा वक्त लगेगा तो थोड़ा सा देर होगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको दूंगा जरूर। सोनानगर प्रसिद्ध किसके लिए, ऐतिहासिक झील के लिए नहीं, ऐतिहासिक महल के लिए नहीं, गर्म जल के स्रोत के लिए, तो ये आप जानते होंगे, सही जवाब इसका ऑप्शन 3 बनता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल हैं, तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। और अगला सवाल है कि हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो आप जानते होंगे गुरुग्राम तो बिल्कुल है, सोनीपत भी है और फरीदाबाद भी है, तो इसमें हिसार नहीं है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये 10 क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए थे GS के अंतर्गत
एस टी ई टी की परीक्षा में, जूनियर लेवल में यानी कि एस टी ई टी टी जी टी में परीक्षा इसकी हुई थी 17 नवंबर 2019 यानी कि आज। तो बाकी के जो प्रश्न होंगे उसको लेकर मैं उपस्थित हूँगा आप सभी की सेवा में अगले वीडियो में, और जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा एस टी टी से संबंधित उन सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता जाऊँगा ताकि आप लोग आसानी से सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।